हाय बच्चों, अब ध्यान देना। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पिछले एक्सरसाइज 8.1 में बना दिया गया था और आपको कुछ वैल्यू दिया था, साइन 0 कितना होगा, साइन 30 कितना होगा बताया गया था। एक्सरसाइज 8.1 में आपका लास्ट 11 क्वेश्चन नंबर जो है, द वैल्यू ऑफ 10 ए इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो फॉल्स है, क्योंकि देखिए आप 10 45 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे बोला 10 का वैल्यू पास 1 से कम होता है, जरूरी 1 भी होता है, ठीक है ना। ऐसे है, शेप का वैल्यू भी दिया हुआ है, सब आसान है, हम जिक्र कर दिए, कुछ बच्चों को डाउट था, ठीक है ना। अब आगे आते हैं हम लोग 8.2। हम लोग पिछले क्लास में कुछ फॉर्मूला लिखवाए थे, रिवाइज करते हैं, ओके। पहला फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ओके। दूसरा था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा फॉर्मूला था आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये चीज याद रखेंगे, इसी में से क्या होगा, बहुत सारे फॉर्मूला ड्रैग हो जाएंगे। पहला क्या, अगर साइन निकालना हो तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहां से 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर निकालना हो इसमें से तो स्क्वायर वहां जाएगा, क्या जाएगा, रूट 1 माइनस उसका थीटा। ऐसे फॉर्मूले आपके नए नए कैलकुलेशन होंगे, इसके बदले में ये इस्तेमाल होगा। इसी में कोस निकालना हो तो कुल उसका थीटा लिख देंगे 1, ये वहां से जाएगा माइनस साइन उसका थीटा, एक फॉर्मूला ये भी है। फिर यहां से कोस का निकालना हो तो रूट अंडर 1 माइनस साइन उसका थीटा। देखिए ये चीज समझना मेन ये है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये ठीक है, और ये प्रूफ किया गया, ठीक है ना। एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछता है, हम लोग का समय पूछता था कि प्रूफ डेट कितना है, ये इक्वल टू ये, अब तो नहीं पूछता है, लेकिन तभी जानकारी लेनी चाहिए। ये आपको कितना जाएगा sec स्क्वायर थीटा, जो आसान चीज है, यहां से जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर ये निकालना हो तो tan निकालना, तो उधर भेज दीजिए, तो ये जो वहां जाएगा हो जाएगा कितना tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सुधारा दीजिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तमाम चीजें आपको याद रहेंगे, ठीक है ना, बहुत कम है। यहाँ क्या जाएगा cosec थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot निकालना हो तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए अब यहाँ बात आती है, सर ठीक है ये तीनों फॉर्मूला है, लेकिन प्रूफ तो कर लेंगे हम लोग, लेकिन इसको याद रखेंगे कैसे, बात ये आता है कि सर ठीक है, हमेशा प्रूफ थोड़ी करेंगे, कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। देखो मैक्सिमम लोग इस फॉर्मूले में कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन कहाँ होता है कि sec स्क्वायर पहले था कि tan स्क्वायर था, चाहे यहाँ पर sec स्क्वायर इक्वल टू क्या था, माइनस था प्लस था, चाहे यहाँ पर ही हमेशा cosec था cot था, पहले हमेशा कंफ्यूज होंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। चार दिन पांच दिन उसको देखना छोड़ दीजिएगा तो दिमाग में आएगा नहीं कि माइनस था प्लस था, पहले कौन आया था, तो cosec आया था पहले cot आया था। इसीलिए जब हम अपने स्कूल लाइफ में थे तो ये हमको बहुत डाउट होता, तो हमने आराम से क्लास में बैठ के घर में जाके बहुत ध्यान दिया, एक चीज इसमें देखा हमने और वो हमको अच्छा लगा, और वो चीज हमको एक भूलन चली है। और वो चीज हमने क्लास में, जब क्लास चल रहा था, सर जब चले गए तब लंच के पीरियड में अपने क्लास में सारे दोस्त को लोगों बोले, अब उठिए मत, अभी एक ट्रिक हम एक ट्रिक दिमाग में निकाले हैं, उनको खाए थे, सारा क्लास बहुत सपोर्ट किया था हमको, तो इसीलिए अभी भी वो दिन याद है। देखिए ऊपर आते कैसे किए थे हम, इसमें ये खुद का निकाला ट्रिक, कोई नहीं बताएगा आपको, एक तो इसको मिटकाते हैं, ठीक है, लिख लीजिए आराम से। अब ये तो सबको याद रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सबको याद रहता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होगा, इसमें प्लस भी है, तो कोई दिमाग लगाना है, पहले कोस आगे पहले साइन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इसमें आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं इसमें, अब याद हो गया आपको। नेक्स्ट इसमें ध्यान देना, जब हम एबीसीडी पढ़ते हैं तो पी क्यू आता है, पी क्यू आर एस टी आता है, पहले एस आता है फिर टी आता है, ये आपको याद रखना है, पहले एस सब टी, इसीलिए पहले एस का स्क्वायर और टी का स्क्वायर बीच से माइनस इक्वल टू 1, यहां भी एस का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर इक्वल टू 1, बस करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करना, खाली सेक लगा देना है थीटा और यहाँ टेन थीटा, देखिए आगे ना भूलना नहीं, भूले कभी नहीं, और यहां क्या करना है, यहां पर लगा देना कोसेक लगा देना है, और यहाँ सी ओ टी को लगा देना, आगे को खा लगाना है, तो हो तो गया आपका, कभी नहीं भूलेंगे, पहले लेकिन
सी सी बराबर ओ ओ बराबर, तो यहाँ दोनों सेम है लेकिन पहले एस आएगा तब टी आएगा, इसीलिए कोसेक होगा। कभी नहीं भूलिएगा एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू वन, एस मतलब सेक टी मतलब टेन, यहाँ एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू वन, एस मतलब कोसेक और सी ओ टी कोट। अब ये एस टी क्यों, क्योंकि एमजीडी पढ़ता है पहले एस आता है, ठीक है, माइनस इसमें रहेगा, कहीं भूलिएगा नहीं, ये याद रहेगा, आपको कभी आगे पीछे कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में। हम लोग आप लोगों को पिछले क्लास में एक टेबल बनाया गया था, टेबल बना के हम लोग बनाए थे, वैल्यू निकाले थे, वो वैल्यू आपको याद करना है, चार बार पांच बार कॉपी में लिख लीजिएगा ईमानदारी से, लिखने के बाद अपने आप याद पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जब क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाते बनाते ये क्या होता है अपने आप याद हो जाता है, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन को मान देखिए, ओके, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर वन है, इवैल्यूएट करना है, वैल्यू निकालना है 8.2 का, ठीक है ना। साइन 60 क्या होगा, साइन 60 प्लस कोस 30 प्लस साइन 30 प्लस 60, तो कुछ नहीं करना है आपको, साइन 60 कितना होता है याद करना पड़ेगा, साइन हमको याद है लेकिन आप लोग याद लिखिए कि बार बार याद जाएगा कितना होता है, साइन 60 होता है रूट 3/2, रूट 3/2, और कोस 30 होता है रूट 3/2, ओके, प्लस साइन 30 होता है 1/2 और कोस 60 होता है 1/2, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 3/2, ये मल्टीप्लाई 3/4, ये मल्टीप्लाई तो 1/4, अब जोड़िएगा तो 1 आएगा, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखिए, 2 हो गया 10 स्क्वायर 45, मतलब ये हुआ 10 45 डिग्री का स्क्वायर, हमने बताया था इसका मतलब और इसका मतलब दोनों एक ही होता है, इसीलिए पहले 10 45 घर लिखेंगे, 2 हो गया इंटू 10 45 कितना था 1 था, 1 का क्या है स्क्वायर है, प्लस कोस 30, कोस 30 कितना, कोस 30 कितना रूट 3/2, रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60, साइन 60 रूट 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 1 हो गया, 2 हो गया तो प्लस कितना हो गया 3/4 माइनस 3/4, ये कट गया तो कल कितना होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें कोस 45 कितना था 1/√2, साइन 45 कोस 45 एक ही होता है, सेक 30 कितना है तो कोस भी याद कीजिए, अब से याद करना है तो कोस 30, तो कोस 30 था रूट 3/2, तो सेक 30 कितना हो जाएगा 2/√3, रेसिप्रोकल है दोनों, कोसेक 30, तो कोसे याद करना है साइन याद कीजिए, साइन 30 तक कितना 1/2, तो कितना हो जाएगा 2, तो अब देखिए इधर पूर्णांक आंसर आएगा, इसमें 2/1 कर लीजिए, ये 1/√2 हो गया, इसको एलसीएम लेंगे तो रूट 3 हो जाएगा और ये 2 प्लस 2√3, तो इतना कम जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कल छोड़ देना इसको, तो ये जो है नीचे आएगा कुछ जाएगा, तो 1/2 प्लस 2√3 और रूट 2 नीचे आ जाएगा और रूट 3 का जाएगा, इतना कोई छोड़ सकते हैं और स्लैश करना कर सकते हैं आपकी मर्जी, ठीक है ना, तो इतना एक मार्क्स का पूछता ही इतना काफी है, स्लैश करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ भी देखें साइन 30 कितना 1/2, 10 45 1, कोसेक 60, तो साइन 60 होता है रूट 3/2, तो कोसेक कितना जाएगा 2/√3, यहाँ से 30 कितना, साइन 30 होता है रूट 3/2, तो 2/√3 प्लस कोस 60 कितना 1/2 प्लस 4/1, इसको भी सॉल्व करना है या स्लैश करके छोड़ देना है, ठीक है, ये कितना जगह, ये 1/2 और 1 जोड़ेंगे 3/2 से हो गया माइनस 2√3 बेटा, ये भी कितना जगह 2√3, ये भी क्या हो गया आपका अति 3/2 हो गया, और उसको क्या करना है स्लैश कर देना है, इसको पहले ऐसा देना है 2√3 एलसीएम आएगा, 2 डिवाइड 3√3 माइनस 3 डिवाइड 4 इक्वल टू डिवाइड 2√3 डिवाइड 4 माइनस 3√3, ये कट जाएगा क्या जाएगा तो क्या जाएगा 3√3 माइनस 4 और 4 माइनस 3√3 इतना,
और फिर इस क्लास में सकते तो उतना करने को जरूरत नहीं है, आप सिंपल से बनाए थोड़ा सा बना के छोड़ दें, ये बन गया। इसमें क्वेश्चन नंबर एक और बाकी है, आप लोग ध्यान से बनाएं, इसको दोबारा बनाएं और बना बना के होमवर्क बनाएं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन का रोमन नंबर फाइव देखिए, करना कुछ नहीं, बहुत लंबा जाएगा लेकिन ध्यान देना है आपको, स्विचअप खाली पुट करना है और कुछ नहीं करना है। कोस 60, कोस 60 वन बाई टू होता है, स्क्वायर है वन बाई टू का स्क्वायर प्लस फोर। सेक 30, कोस 30 होता है रूट 3 बाई टू, इसका सेक का उल्टा हो जाएगा 2 बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस 10 बन गया 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 देखिए, ये याद है ना आपको, अभी पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये जो कितना है एकदम बराबर है, कितना दूर है उसका 1। यहां देखिए साइन स्क्वायर 30 और कोस 30 दोनों कितना मिल जाएगा 1। अगर ऐसे 1 लिखना तो लाइन 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो वैल्यू लिखिए इसका, साइन 30 कितना 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर। अपने आप देखिए 1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5, ये 1 बाई 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बाई 4 प्लस ये जगह 4 4 16 ये जगह 3 माइनस 1 और ये 1 बाई 2 का 1 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 कितना हो गया 5 बाई 4 पूरे ऐसे मिले जाए 12 4 3 ये सब बना लिया अपने से, नीचे बना जाएगा, ठीक है, इतना हम नहीं करेंगे, नीचे ये बना जाएगा जोड़ के ऊपर बना लीजिएगा अपने आप बनेगा। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में आसान है, इसमें करना कुछ नहीं है, 2 10 30 तो 2 हो गया, 10 30 मतलब कितना 1 बाई रूट 3 हमको याद है जी, आप लोग को याद होगा, हम याद ऐसे नहीं कि हमको याद के अंतर्यामी है, आप हमसे बचपन में याद किए थे, हम इसको चुपचाप 5-6 बार लिख दिए थे, अपने आप याद हो गया था और क्वेश्चन खूब बनाया था, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आप याद हो जाएगा, कुछ गलतियां हो गई ठीक हो जाएगा। इसमें 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर ये कितना हो गया 2 बाय रूट 3 हो गया, और 1 प्लस 1 बाय कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 2 बाय रूट 3 हो गया, 3 आया तो 3 बाय 3 ऊपर में 4 ऊपर से जाएगा तो ये 2 बाय रूट 3 इंटू 3 बाय 4 ये कट गया, और ये कटेगा कितना देगा, ये कटेगा कितना से रूट 3 से, रूट 3 ऊपर में कटेगा 2 से, रूट 3 बाय 2 आएगा, ये कितना आएगा, ये कटेगा रूट 3 से ना, और ये 2 से रूट 3 बाय 2 आ गया। अब ध्यान देना है आंसर में क्या दिया गया, रूट 3 बाय 2 नहीं दिया गया, आंसर में दिया गया साइन 60 कोस 60 टेन 60 साइन 30। अब याद करना है कि रूट 3 बाई 2 किसका वैल्यू था, ये वैल्यू आपका साइन 60 का है और नहीं तो कोस 30 का है, इन दोनों किसी एक का है, देखिए इन दोनों से क्या दिया ऑप्शन, ऑप्शन में दिया हुआ क्या साइन 60 आराम से पहला हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर 2 भी बन जाएगा ऐसे ही सेम है, 1 माइनस 45 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1 तो क्या हो गया तो 0 बटा 2 हो गया, तो 0 हो गया ऐसे बन जाएगा। तो यहां बोल रहा है क्या साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, तो बोल रहा है क्या ये किसके लिए बराबर है, ऑप्शन में दिया हुआ है ये बराबर कब होगा, देखिए ऐसा बराबर कभी होता नहीं है, कभी भी साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए बराबर नहीं होगा, लेकिन निकालने तो निकलेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या कीजिए ऑप्शन को बाहर पुट कीजिए, पहला में दिया हुआ है 0, दूसरा में दिया हुआ है 30, सी में दिया हुआ है 45, डी में दिया हुआ है 60, ये कौन सा ऑप्शन सही है चेक करना है, ए निकालना है, ए इस बार पूरा ए कितना होगा, इसी में से ए होगा, आप खाली पुट कीजिए इसमें 0 पुट कीजिए, साइन 2 इंटू 0 2 इंटू साइन 0 कितना हो गया साइन 0 2 साइन 0 मतलब कितना 0 0 इक्वल 0 ये तरह सही लग रहा है नहीं। अब इसमें चेक करते 30 चेक करेंगे यहां 30 पुट करेंगे तो साइन कितना हो जाएगा साइन 60 और यहां पुट करेंगे साइन 30 ये साइन 60 कितना होता है रूट 3 बाई 2 2 ये कितना होता है 1 बाई 2 कट गया तो रूट 3 बाई 2 इक्वल टू 1 कभी होगा नहीं ऐसे ये पुट कीजिएगा नहीं होगा ये नहीं होगा ऐसा कितना लगा यार ये आंसर पहला हो जाएगा ठीक है ना। और आगे देखते हैं ओके।
देखिए बच्चों नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है अगर इफ 10a प्लस बी का इतना है √3 है और 10a माइनस बी 1/√3 है तो बोल रहा है कि क्यों देखिए इसका मतलब आपको इस पर उतना ध्यान नहीं देना है, आपको क्लास 11 में अपने आप समझ में आ जाएगा लेकिन फिर भी आपको पढ़ाते हैं। इसका मतलब ये बोल रहा है कि a प्लस बी जो होगा एंगल एंगल जी है उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा जीरो से बड़ा होगा और 90 छोटा होगा जो 90 के बराबर हो सकता है, 90 के बराबर या 90 छोटा इसके बीच में आगे वैल्यू बोल रहा है और एंगल ए एंगल एंगल ए जो है एंगल बी से बड़ा ये बता रहा है तो आपने फिर एंगल ए और एंगल बी निकालना है क्या है एंगल ए एंगल बी का वैल्यू निकालना है ए बी का निकालना है कुछ नहीं करना है। ऐसे सवाल साइन में भी देगा टेक कोर्स में भी देगा आपको ये सवाल पूछता है बोर्ड में सबसे अधिक पूछे जाने वाला सवाल है ये ध्यान देंगे आसान बहुत है करना कुछ नहीं बस थोड़ा ध्यान देना है ये लिख रहे हियर 10 ये दिया हुआ है और ये दिया लिख लिया हम ठीक है यहां पर 10 ए प्लस बी अभी रूट थ्री जो है वैल्यू किसका है 10 कितना रूट थ्री है आपको देखिएगा याद कीजिएगा 10 60 इक्वल टू होता है रूट थ्री हम रूट थ्री के बदले में 10 60 लिख सकते हैं कि नहीं। अब बात आएगा सर क्यों लिखेंगे इस लिखेंगे हम ये 10 10 हटा देना है हट जाएगा ठीक है ना यहाँ काटना नहीं ये सो नहीं करना आपको हट जाएगा ठीक है ना तो ये कितना देगा ये ए प्लस बी इक्वल टू 60 ये वर्ड मिल गया आपको। ऐसे यहां आइए ये 10a माइनस बी हो गया 1/√3 वैल्यू किसका है 10 और 30 इक्वल टू होता है 1/√3 1/√3 तो 1/√3 के बदले में क्या सकते हो 10 30 यहां से 10 10 कट जाएगा कितना जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 यहां 2 मिल गया दो इक्वेशन दो आराम से निकल जाएगा एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एडिंग 1 और 2 करेंगे तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा और बी भी कट जाएगा 60 प्लस 30 90 हो जाएगा ए इक्वल हो जाएगा 45 एम राइट ए प्लस 2 हो गया 90 हो गया। और फिर बी निकालना है तो क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे पुटिंग करेंगे यहाँ पर इसमें पुट करेंगे ए तो ये 45 प्लस बी इक्वल 60 तो बी का वैल्यू कितना वहां चला गया तो 60 माइनस 45 तो देयर फॉर बी इक्वल टू कितना हो गया 15 हो ना तो ए और बी निकल गया ए और बी देखिए ए बड़ा है बी से यहां है सही है और दोनों जोड़ के नंबर सुधार है बन गया आराम से सारा पूछते थे बोर्ड में ठीक है इसको थोड़ा ध्यान देंगे कुछ गलती नहीं ना है आगे नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है 8.2 का लास्ट सवाल है ध्यान देंगे बोर्ड है 2 और 4 बनाने के लिए 2 है कि 4 है और क्यों है तो साइन ए प्लस साइन बी इक्वल साइन की गलती है क्योंकि साइन ए प्लस बी एंगल है ए एंगल बी एंगल दोनों जोड़ने को बोल जा रहा है ये मल्टीप्लाई नहीं करना ये नहीं कि मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई कर लिए वो तो एलजेब्रा में होता है कि ए एक्स प्लस बी दिया तो ए एक्स ए बी हो गया तो वो आपको एलजेब्रा ये ट्रिग्नोमेट्री है इसमें एंगल बात रहा है ये एंगल इसीलिए इसका मतलब ये नहीं होता है ठीक है ना ये एंगल का वैल्यू ए और बी का वैल्यू पुट करके और साइन जितना आएगा वो लिखना है तो ये गलती होगी फॉल्स द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेस साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है इंक्रीज करता है कब जब थीटा को इंक्रीज करेंगे जाहिर सी बात है देखिए आप साइन 0 कितना था देखिए उसमें टेबल में साइन 0 0 था है? और साइन 90 कितना था 1 था तो 0 से 90 क्या किए थीटा क्या कर रहा है बढ़ रहा है इसका वैल्यू कितना 0 से 1 बड़े घट रहा है बढ़ रहा है साइन थर्टी था 1/2 0.5 हुआ 0 से 0.5 हुआ 1 हुआ ये बढ़ ही रहा है यस ये ट्रू है एकदम के साइन 0 = 0 साइन 30 = 1/2 साइन 90 = 1 तो 0 1/2 1 क्या है बढ़ तो रहा है इसीलिए ट्रू हो जाएगा द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस कोस थीटा का वैल्यू बढ़ता है कब जब थीटा को बढ़ाएंगे तो चेक कर लीजिए कोस 0 कितना 1 cos 90 कितना 0 तो 0 से 1 बढ़ रहे हैं घट रहे हैं बढ़ रहे हैं और 1 से 0 बढ़े घट रहे घट रहे हैं इसीलिए ये क्या देगा फोर्स जब थीटा इंक्रीज करेगा तो cos का वैल्यू घटेगा ठीक है ना sin थीटा cos थीटा बराबर होता है ठीक है फॉर ऑल वैल्यू थीटा थीटा का हर एक वैल्यू पर गलती है यहीं पर देखिए ना cos 0 1 cos 90 0 sin 0 0 sin 90 1 ये होता नहीं है लेकिन हाँ अगर पूछ दे फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तब सही है नहीं 45 डिग्री क्योंकि साइन 45 कितना होता है 1/√2 और 10 cos 45 कितना होता है वो भी 1/√2
दोनों बराबर है कब है 45 डिग्री बराबर है, लेकिन सब वैल्यू को बराबर नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। कोण ए जो है डिफाइन नहीं है, कहां कोण डिफाइन, एंगल ए कोण जीरो, हाँ सही है। कोण जीरो कितना होता है अनडिफाइन, क्यों कोण जीरो, कोण का मतलब होता है कोण जीरो बटा साइन जीरो, कोण जीरो कितना वन, साइन जीरो कितना वन, जीरो बटा वन जीरो, वन बटा जीरो कितना होता है अनडिफाइन होता है, इसीलिए ये सही है, ये ट्रू है, ये आपको ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ठीक भाई सब फॉल्स। तो ये आपका बन गया, देखिए बच्चों 8.2 पूरा बन गया, ऐसे धीरे आगे भी बन जाएगा। आप सिर्फ घर में मन से पढ़ाई करें, थके नहीं हारे नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखें, अभी थक जाइएगा हार जाइएगा फिर तो आने वाले दिन आपके लिए मुसीबत होगी, ठीक है। एग्जाम तो आपको रुकेगा नहीं, कब एग्जाम टाइम होगा, आप पढ़ाई मन से कीजिए और देखिए और ध्यान से पढ़िए, एक बात को ध्यान समझिए पहले, अगर नहीं पढ़िएगा नहीं कुछ काम कीजिएगा तो और ज्यादा थकिएगा, इसीलिए काम कीजिएगा पढ़िएगा ना मन से, जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको लगे जो कुछ कर रहे हैं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आपको थकावट नहीं होगी और इंटरेस्ट रहेगा, इसीलिए मन बना के पढ़िए, साइंस पढ़िए, मैथ पढ़ा रहे हैं आपको साइंस पढ़ाएंगे, आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर लोग हैं जो पढ़ाते हैं साइंस वगैरह, चाहे SST पढ़िए इंग्लिश पढ़िए, खुद मेहनत कीजिए, आपको स्कूल में होमवर्क मिल रहा है उसको मन से कीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप थक जाएंगे। ओके बाय।